स्वेलेवन और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जो चाबी आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये चाबी हमारी बिलोंग करती है इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने हिंडई और SX CNG, मतलब CNG के अंदर आने वाला इसका टॉप वेरिएंट है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पहली चीज़, गाड़ी के लुक्स के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है वो ज़रूर शेयर करना। पर्सनल तौर पर मुझे बढ़िया लगती है, मतलब ओके मैं इसको बोलूँगा। आगे से सिंपल सी लगती है, थोड़ी प्यारी सी भी लगती है। एज ए फैमिली कार अगर आप लेना चाह रहे हो तो बहुत प्यारा स्टांस ये देती है। आपके क्या ओपिनियंस है वो ज़रूर शेयर करना इस बारे में। बाकी प्राइस आपको बता देता हूँ इसका, 9 लाख रुपये आपको एक शोरूम कॉस्ट करती है दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। अब इस प्राइस पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गाड़ी की चाबी कुछ इस तरीके की मिलती है, जो कि हुंडई के मतलब टॉप वेरिएंट जितने भी होते हैं उनके अंदर कुछ इस तरीके की आपको चाबी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे डोर को लॉक करने के लिए बटन है, अनलॉक करने के लिए बटन है। बूट को यहाँ से आप रिलीज कर सकते हो, मतलब अनलॉक हो जाएगा और थोड़ा सा खुल भी जाता है, वो आपको हाथ से मैनुअली खोलना पड़ेगा फिर पूरा। बाकी ये चाबियाँ हैं, दोनों चाबियाँ सेम मिलती हैं सेम कंट्रोल्स के साथ। इनको रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट की बातचीत करते हैं तो ये है गाड़ी की डायमेंशन वगैरह, देख लेना कितनी लंबी ऊँची चौड़ी है ये टॉप मॉडल के अंदर। यहाँ पे हेलोजन बेस अपना हेडलैम्प्स का सेटअप आपको मिलता है, पार्किंग बल्ब इन्हीं के अंदर है। नीचे यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलती है जो कि अगेन हेलोजन बेस ही है। DRLs आती हैं जो कि बेहद खूबसूरत लगती हैं। सामने ग्रिल जो है एकदम ग्लॉसी मिलती है। सेटम फिनिश में यहाँ पे आ जाता है हुंडई का लोगो और इसका सिल्वर कलर देखो आप भाई, कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही है। पता नहीं लाइट्स की वजह से या फिर चमक कुछ ज़्यादा रही है। अपने ओपिनियंस आप बताओ, क्या आपको भी ऐसा ही नज़र आ रहा है? बहुत प्यारी लग रही है मुझे तो इस कलर के अंदर ये। और यहाँ पे आते हैं साइड में, आगे से यही थी सारी की सारी बातचीत। यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आएगी और जितनी भी ये ग्रिल है आपस में जो कनेक्टेड पोर्शंस आप देख रहे हो सब ग्लॉसी ब्लैक है। यहाँ की बातचीत करते हैं, यहाँ पे जो टायर्स हैं वो हैं आपके MRF के और इसका टायर सेक्शन जो है इस गाड़ी के अंदर इस अलॉय के साथ जो आता है वो है 175/60R15। 15 इंच के कुछ ऐसे आते हैं मशीन कट अलॉयज, जहाँ पे आगे डिस्क पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी ये गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। फेंडर क्लीन है क्योंकि इंडिकेटर जो है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं अपने ORIONs पे। प्लेन विंडोज आती हैं, कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं है। और ये जो पिलर्स आप देख रहे हो ये मैट ब्लैक मिलते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाते हैं, ऊपर साइड एक शार्पन एंटीना मिल जाता है। ये लास्ट वाला पिलर जो देख रहे हो ये भी ग्लॉसी ब्लैक है। पीछे साइड स्टॉप लैंप है, डिफॉगर यहाँ पे आपको मिल जाता है और ये स्पॉयलर भी आता है यहाँ पे। और ये अपना कुछ इस तरीके के मिलते हैं LED बेस्ड टेल लैंप्स। यहाँ पे भी सेटन फिनिश में मिलता है हुंडई का लोगो और यहाँ पे वो भी सेटन फिनिश में ही आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे रिवर्स कैमरा आ जाता है, दो पार्किंग सेंसर्स भी हैं और नीचे की साइड रिफ्लेक्टर्स भी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ लेफ्ट साइड से डलता है पेट्रोल और CNG भी, तो एक सिंगल कैप से ही दोनों काम यहाँ पे हो जाते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको मिल जाता है। अभी बूट आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये देखो ये कुछ इस तरीके से मैंने बताया था आपको रिलीज हो जाएगा, खोलना आपको मैन्युअली ही पड़ेगा। ये आप देख लो कुछ इस तरीके से है ये। यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके का सिलेंडर, 65 लीटर्स का सिलेंडर है ये। और यहाँ पे स्पेस भी आपको मिल जाती है, तो जितनी स्पेस ये सिलेंडर यहाँ पे अपना ऑक्यूपाई कर रहा है उतनी ही स्पेस यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। और इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जिसे आप इजिली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको सीट्स वगैरह फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल सी स्पेस मैं बोलूँगा, अगर आप CNG सेडान ले रहे हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सी स्पेस भी आपको मिल जाती है। थोड़ा बहुत सामान, 2-4 बैग यहाँ पे आपके आ जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको कर देते हैं बंद और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और इंटीरियर की बातचीत करते हैं। इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। दरवाज़ों का वेट मज़ेदार है नो डाउट, और प्रीमियम सी भी फील होती है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे जो ये डुअल शेड वाली थीम मिलती है ये अच्छी लगती है, थोड़ा सा मतलब मन खुश रहता है इससे, और तो कुछ करनी है। बाकी बढ़िया है, यहाँ पे बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। सिल्वर कलर की यहाँ पे अपना ये डोर लिवर देखने को मिलता है। चारों पार विंडोज़ हैं, विंडोज़ के लॉक हैं। ORIONs को आप यहीं से फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट कर सकते हो, देख लो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे स्पीकर है, बोतल होल्डर है, सीट्स के अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है। यहाँ से भी आप अपना जो है अपना बूट खोल सकते हो, फ्यूलिड कैप यहाँ से खुल जाएगी। नीचे साइड 3 पैडल्स हैं, डेड पैडल के लिए यहाँ पे अलग से प्लेसमेंट है। ट्रैक्शन कंट्रोल है, CNG स्विच यहाँ पे मिलता है, लाइट लेवलिंग डायल और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आती है गाड़ी के अंदर। अभी चलते हैं अंदर की साइड ही और अंदर से ही बातचीत कर देंगे क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर करती है ये। तो सीट्स को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, लाइट्स को थोड़ा ऑफ कर लेते हैं और अभी आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो एक बार मैं इस बटन को दबा दूंगा, इसके अंदर इल्यूमिनेशन भी आपको मिलती है।
तो एक बार दबा दूंगा स्टेरिंग व्हील अपना अनलॉक हो जाता है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाता है, हुंडई का लोगो बन के आ चुका है। इस सिचुएशन में आप गाने वाने जो है यहाँ पे प्ले कर सकते हो। और सेकंड टाइम जब मैं इसको दबा देता हूँ बटन को, तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑन हो जाता है। और अभी क्लच दबी होती तो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती। तो ये है जी 8000 तक की RPM है, 220 की टॉप स्पीड मार्किंग है, बीच में एक MID आती है जिसमें सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, कितनी किलोमीटर गाड़ी चली है, माइलेज क्या निकाल रही है, कितनी देर से गाड़ी चली है, आउटसाइड टेम्परेचर, ऑडो वगैरह सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। इधर की साइड CNG का लेवल है और इधर की साइड पेट्रोल का लेवल आपको मिलता है। यहाँ जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे अपना हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल आपको मिलते हैं, और ये मिलता है कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील। यहाँ पे कोई लेदर रैपिंग वगैरह नहीं है, बाकी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं अपने इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए और इस बीच वाली MID के लिए। एयरबैग की यहाँ पे बैजिंग मिलती है, सिल्वर हाईलाइट आपको स्टेयरिंग पे भी मिल जाती है। एडजस्टमेंट की बात करें तो ये टिल्ट के साथ है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं आएगा। और नीचे की साइड ब्लू कलर की लाइट जलती है, अभी मैंने फ्लैश ऑन की हुई तो आपको दिखेगी नहीं, बाकी ब्लू कलर की बढ़िया सी मूड लाइट इसके अंदर जलती रहती है। अभी शायद आपको देखे या ना देखे, अभी पेडल्स के ऊपर आपको दिखेगी नहीं, बाकी बढ़िया लाइट यहाँ पे जलती रहती है। और डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड में। ऊपर से हेडलाइनर आप देखोगे थोड़ा सा ब्राइट टोन की तरफ है, तो गाड़ी के अंदर जो है माहौल काफी खुला खुला सा रहता है, क्योंकि सीट्स का कलर भी थोड़ा बेज टोन की तरफ ही है, तो रिफ्लेक्शन जो है गाड़ी के अंदर अच्छा रहता है। इधर की साइड यहाँ पे वैनिटी मिरर है, एयरबैग की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, माइक की प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है, येलो लाइट आती है कुछ इस तरीके की, काफी ब्राइट है ये भी। यहाँ पे एक मैनुअल डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है, और इधर की साइड टिकट होल्डर की प्लेसमेंट भी आपको मिल जाती है। डैशबोर्ड की बातचीत कहें तो कुछ ऐसा मिलता है डैशबोर्ड का व्यू, ये चीज जो है ग्लॉसी मिलती है। बीच में यहाँ पे एक अपना टस्की इन्फोटेनमेंट सिस्टम आता है जो कि एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, और ये फिजिकल नॉब्स एंड बटन्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। AC वेंट्स है, हेजर लाइट की बटन है, नीचे की साइड मैनुअल AC के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, एक USB पोर्ट है और एक टाइप सी पोर्ट है, और एक अपना 12 का चार्जिंग सॉकेट है, मतलब तीनों पोर्ट्स आपको लाइन से मिल जाते हैं। यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाती है, और 5-speed का मैनुअल गियर लीवर कुछ इस तरीके का आता है, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ये आग बुझाने का यंत्र भी दिया हुआ है भाई, बिल्कुल आपकी रीच में ही पे। और ये थोड़ा आप देख सकते हो, थोड़ा सा ब्राउन टेक्सचर यहाँ पे आपको मिलता है, दो कप होल्डर्स है, हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ है, आर्मरेस्ट वगैरह जो है नहीं आता है, स्पेस अच्छी खासी यहाँ पे भी मिल जाती है, फोन वगैरह आपका वॉलेट वगैरह जो अपना को पैसेंजर बैठा हो वो यहाँ पे रख सकता है काफी आराम से, एक कूलिंग ग्लो बॉक्स आपको मिलता है, और स्पेस भी अच्छी खासी इसमें आपको मिल जाती है। तो ये है सारी चीजें, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कॉमेंट्स में। और अभी चलते हैं गाड़ी की बैक सीट पे, वहाँ क्या कम्फर्ट है, क्या कंट्रोल्स हैं, उनकी बातचीत कर लेते हैं CNG वाले टॉप मॉडल के अंदर। अभी चलते हैं गाड़ी की रेयर सीट पे, और अभी पीछे का स्पेस और कंफर्ट भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डोर पैनल्स फिर से अगेन बढ़िया वेट के साथ अच्छी फील देते हैं। यहाँ पे अपना बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, अगेन स्पीकर बोतल होल्डर सब मिलता है, सिल्वर कलर का यहाँ पे मिलता है डोर लिवर। और अभी अंदर स्पेस की बातचीत करते हैं, तो यहाँ पे आके गाड़ी मतलब आपका दिल लिटरली जीत लेगी, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं भाई, लिटरली मजा सा आ जाता है पीछे बैठ के। यहाँ पे आप लेग रूम देख सकते हो, थाई रूम देख सकते हो, और यहाँ पे आप मेरे पास हेड रूम भी देख सकते हो कितना है, मैं आराम से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। एडजस्टेड हेडरेस्ट की बात करें तो पीछे वाले दो मिलते हैं ये सीट्स के अंदर, अपना इंटीग्रेटेड है, सीट बेल्ट आपको मिल जाते हैं प्रॉपर 3 पॉइंट। यहाँ पे आर्मरेस्ट भी है, कप होल्डर्स के साथ आएगा, बट अभी पोलोथीन वगैरह पूरी चढ़ी हुई है तो मैं इसको फाड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। गाड़ी नीट एंड क्लीन है तो मैं अपनी तरफ से इसको नहीं गंदा करना चाहूंगा बिल्कुल भी, सब कुछ मैस अपनी हो जाए उसकी वजह से। बाकी यहाँ पे है रेयर AC वेंट्स, यहाँ पे एक 12 का चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल जाता है, यहाँ पॉकेट मिलती है, इधर नहीं मिलती है वो पॉकेट, और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू शानदार। आगे और पीछे रीडिंग लाइट्स आपको मिल जाती हैं, 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा हुक भी मिल जाता है अगर कुछ आपको हैंग करना हो तो। बाकी यही है ओवरऑल पूरा केबिन व्यू, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में जरूर से शेयर करना। और अभी इसका इंजन कंपार्टमेंट आपको दिखा देता हूँ कि इंजन कंपार्टमेंट कैसा मिलता है, क्या पावर फिगर्स हैं उसके। और अभी बात करते हैं गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह आपको नहीं मिलती है, बट ऐसे यहाँ पे आपको उसकी कमी फील होगी भी नहीं, क्योंकि ये फेज 2 में अपडेटेड 1.2 इनका K सीरीज का इंजन है जो कि ऑलमोस्ट डेवलप करता है, और ये फोर सिलेंडर इंजन है बता दूँ आपको, ये ऑलमोस्ट डेवलप करता है 67 BHP 95 Nm का टॉर्क, और 1 kg CNG में ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर्स चल जाएगी ऐसा कंपनी क्लेम करती है। बाकी ये है शानदार सा इंजन कंपार्टमेंट, और बहुत रिफाइन इंजन है भाई ये, बहुत साइलेंट एकदम। बाकी यहाँ पे अपना बैटरी प्लेसमेंट है, फ्यूज बॉक्स वगैरह यहाँ से है, ये अपना कूलेंट यहाँ से डलेगा, वाइपर फ्लूइड, ब्रेक ऑयल वगैरह ये कुछ इस तरीके से हैं सारी चीज़ें, और यही है इसका इंजन कंपार्टमेंट। तो एक सेकंड इसको बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थे आपके सामने 2023 Hyundai Aura SX CNG, मतलब CNG के अंदर आने वाला इसका टॉप मॉडल। अगर आप प्लान कर रहे थे तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए ही थी, और आप बता भी सकते हो कि आपके ओपिनियंस क्या हैं इस गाड़ी के बारे में, और ये वीडियो आपको कैसी लगी।
बाकी कोई ओन करता है तो एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी के साथ ज़रूर से शेयर करना, ताकि कोई ले रहा हो, कोई बंदा प्लान बना रहा हो, तो थोड़ा सा आपका फीडबैक थोड़ा हेल्प कर देगा। और वीडियो कैसी लगी वो बताना कमेंट्स में, अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।